था आई थिंक अब मैं लाइव हूं आप लोगों को शो हो रहा होगा एक बार आप लोग चैट बॉक्स में बताइए कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको ओके डन है ठीक है ना तो चल रहा है गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आज थोड़ा सा लेट हुआ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं हो पा रहा था और अभी मैं लाइव हूँ और आप लोग फटाफट जुड़ जाइए जो लोग पहले जुड़े थे अभी चले गए हैं आप लोग शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा वो लोग भी ऐड हो जाएंगे तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग आ कर के वापस चले गए हैं नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग भी जुड़ जाएँ ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज है नागपंचमी आप सबको नागपंचमी की ढेरों शुभकामनाएं हमारा जो प्यारा भारत देश है वहाँ पर प्रकृति का प्रकृति की पूजा होती है उसके साथ में जो उसके सभी जीव हैं उनकी पूजा होती है तो नाग पंचमी के दिन हम हम लोग जो है सर्प की पूजा करते हैं उसको दूध वगैरह जो है चढ़ाते हैं लेकिन ये ठीक चीज़ नहीं है सांपों के लिए दूध हानिकारक होता है तो आप लोग नाग पंचमी को ऐसे सेलिब्रेट करिए कि ये समझिए कि नाग और जो सांप और हैं वो भी आपके लिए ज़रूरी हैं क्योंकि की तंत्र में हर प्रकार के जीव जब मिलते हैं तभी एक बेहतर पार्सिक तंत्र बनता है ठीक है ना तो इसलिए आपको आज के दिन से क्या सीख लेना है या क्या आपको सीखना है कि हर जीव आपके लिए जरूरी है और उसे बचाना है और उससे बचना भी है अगर हानिकारक है तो उससे बचना भी है ठीक है ना तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन आज हम बात करेंगे बंगाल शैली पर और प्लीज़ आप लोग कॉल मत करिए जो लोग अभी कॉल कर रहे हैं कॉल मत करिए आप लोग जो भी आपको कहना है चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए मैं अभी देख पा रहा हूँ कि आप लोग काफ़ी संख्या में जुड़ भी गए हैं हाँ मैं चैट आपके देख ले रहा हूँ नीलेष मौर्या जी राजेश कुमार जी पारुल श्रीवास्तव जी आ, सर्वेश कुमार यादव जी आ, प्रतिमा आर्या जी हरियर यादव जी रूपा वर्मा जी अंजू शुक्ला जी सरिता देवी जी बिल्कुल थोड़ा लेट हुआ है ठीक है ना थोड़ा सा लेट हुआ है और इसकी वजह ये थी कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसलिए लेट हुआ चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहले से ही काफ़ी टाइम निकल चुका है देखेंगे सवाल नंबर एक सवाल नंबर एक देखेंगे बंगाल शैली से संबंधित वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है ऑप्शन ये है रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन बी है क्षितेंद्र मजूमदार ऑप्शन सी है ए एन टैगोर और ऑप्शन डी है नंदलाल बोस सवाल नंबर एक और इसका आप फटाफट आंसर करिए वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है आप लोग फटाफट आंसर करिए और उसके बाद में मैं आपको सही आंसर बताता हूँ तो वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता कौन है ए एन टैगोर यानी कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर कौन है अवनीन्द्रनाथ टैगोर इन्हें अवनी बाबू भी कहा जाता है ठीक है ना अवनी बाबू भी इनको कहा जाता है तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर क्या है वास चित्रण पद्धति के जन्मदाता है ठीक है ना अब देखते हैं अवनी बाबू के बारे में कुछ और सवाल जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं जैसे वास शैली को किस अन्य नाम से जाना जाता है वास शैली को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो वास शैली को किस अन्य नाम से जाना जाता है बंगाल शैली के नाम से जाना जाता है बंगाल शैली के नाम से इसको जाना जाता है तो बंगाल शैली कहिए या आप वास शैली कहिए दोनों का मतलब एक ही होता है ठीक है ना तो वास शैली को किस अन्य नाम से जाना जाता है बंगाल शैली के नाम से जाना जाता है दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछता है वो क्या है वास शैली का विकास किस राज्य में हुआ वास शैली का विकास किस राज्य में हुआ वास शैली का विकास किस राज्य में हुआ तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल अभी जो आपका बंगाल वाला पार्ट है वहीं पर वास शैली का जन्म होता है वहीं पर वास शैली फलती फूलती है ठीक है ना आधुनिक भारतीय चित्रकला की नींव किस शैली ने रखी आधुनिक भारतीय चित्रकला की नींव किस शैली ने रखी तो आधुनिकता का मतलब क्या होता है कुछ नयापन आ जाना तो आप जानते हैं कि मुगलों के बाद में भारत में किसका राज हुआ अंग्रेजों का राज हुआ और अंग्रेजों के टाइम पर हर प्रकार की चीजों पर प्रभाव पड़ा चाहे वो कला एवं संस्कृति हो व्यापार हो राजनीति हो हर क्षेत्र में उनका प्रभाव हुआ तो इसलिए चित्रकला पर भी उनका प्रभाव देखने को मिलता है आप जानते हैं कि जो भारतीय चित्रकला की विषय वस्तु रही है वो क्या रही है आत्मवाद भावनाएं आत्मा की चीजें इस प्रकार की चीजें भारतीय कला की विषय वस्तु रही है या पौराणिक रही है धार्मिक विषय रहे हैं लेकिन अगर आप ब्रिटेन की या ब्रिटिश चित्रकला को देखते हैं तो वहां पर क्या होता है यथार्थवादी चित्रण होता है तो यथार्थवादी चित्रण से जो भारतीय कला है वो अभिभूत हो चुकी थी जैसे जैसे मुगल डिक्लाइन हुए मुगल दरबार के जितने चित्रकार थे वो वहाँ से भाग निकले और उसके बाद में उन्होंने कंपनी शैली और छोटे छोटे जो है बाजारी शैली में जा करके चित्र बनाना स्टार्ट किया तो जम करके एक अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा था किसका अंग्रेजी शैली का उसी बीच में राजा रवि वर्मा आते हैं और राजा रवि वर्मा ने एक नया काम किया कि शैली तो उन्होंने उनकी अपनाई किसकी ब्रिटिशर्स की लेकिन विषय वस्तु अपने चुन लिए यानी कि भारतीय चुन लिए पौराणिक विषय वस्तु को चुन लिया तो उसको भी कई लोग आधुनिक कला मान लेते हैं भारत का लेकिन भारत का जो पूर्ण रूप से आधुनिक कला है वो वास शैली है क्योंकि इसमें जो विषय वस्तु चुने गए वो भी भारतीय थे और इसके अलावा जो शैली थी वो भी भारतीय ही थी तो इसलिए आधुनिक भारतीय चित्रकला की नींव किस शैली ने रखी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वास शैली ने किसने वास शैली ने रखी जिसको बंगाल शैली भी कहा जाता है और जिसके जन्मदाता कौन है अपने अवनी बाबू यानी कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर ठीक है ना अवनी बाबू इसके जन्मदाता है ठीक है ना आगे देखेंगे भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा भारतीय भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं बताइए आप लोग भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं आप लोग भी आंसर करते रहिए और जिनको आंसर नहीं आता वेट करेंगे मैं उनको सही आंसर बताऊंगा ठीक है ना भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कौन कहे जाते हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर यानी कि अवनी, अवनी बाबू ठीक है ना यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कुछ लोग आपको ईबी बी हैबल बताएंगे अर्नेस्ट वेनफील्ड हैबल्ट हालांकि अर्नेस्ट वेनफील्ड हैबल ने इस क्षेत्र में काफी काम किया उनके सहयोग से ही अवनीन्द्र टैगोर जो भारतीय चित्रकला है उसको शिखर तक लेकर के गए लेकिन जो ये कथन है भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता तो ये अवनीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कहा जाता है ठीक है ना और इसी संबंधित एक आखिरी सवाल भारतीय वास का संबंध किस देश के वास शैली से है भारतीय वास का संबंध किस देश के वास शैली से है तो जो वास शैली अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनाई थी वो मूल रूप से भारत की नहीं थी वो मूल रूप से भारत की नहीं थी लेकिन उन्होंने उसमें नए प्रयोग जरूर किए थे तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने जो वास शैली अपनाई वो जापानी एवं चीनी वास शैली थी चीनी वास शैली तो जापान एवं चीन में पहले से वास शैली का प्रयोग हो रहा था और उन्होंने उससे ही सीख करके उसमें कुछ नया प्रयोग करके एक नई शैली को गढ़ दिया जो कि भारतीय वास शैली कही जाती है ठीक है ना भारतीय वास शैली कही जाती है एक बार आप सभी लोग इसको शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग शुरुआत में आए थे जिनका छूट गया वो उनको लगा कि आज क्लास नहीं होगी वो लोग भी जुड़ जाए तो आप सभी लोगों का यह दायित्व है कि आप लोग इसे शेयर कर दीजिए ठीक है ना देखिए ये यात्रा मेरी अकेले की नहीं है हम दोनों यानी कि मैं और आप सब मिल करके चलेंगे तभी ये गाड़ी आगे जाएगी चलिए अगला सवाल देखते हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था अवनीद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था कलकत्ता में दिल्ली में जोरा साको में या मुंबई में एक सिंपल सा सवाल है और इसका आप सबको आंसर देना है सभी लोग आंसर दिए देखिए अध्यापक की भूमिका या अध्यापक का रोल क्या होता है कि उससे सब कुछ आना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी उससे कुछ भी पूछ सकता है ऐसा नहीं है कि अध्यापक गूगल हो जाए लेकिन अध्यापक को यह प्रयास करना चाहिए कि जिस विषय का अध्यापक है उसमें लगभग लगभग सवालों का आंसर उसको पता होना चाहिए तो आप भी अध्यापक बनने जा रहे हैं तो हर सवाल का आपको आंसर देना है अगर नहीं आता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखे कि सर नहीं आता है हमें ठीक है ना तो सवाल क्या है कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था कलकत्ता में दिल्ली में जोरासांको में या मुंबई में सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा जोरासांको जोरासांको कहां पर है बंगाल में एक जगह है ठाकुरवाड़ी ठीक है ना ठाकुरवाड़ी ठाकुरवाड़ी तो में ही जो है इनका जन्म होता है जोरा शाम को वो जगह है जहां पर इनका जन्म होता है और अवनीद्रनाथ टैगोर किस फैमिली से हैं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे हैं तो अपने आप में बहुत बड़े खानदान से थे उस खानदान में इतने बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने भारत को एक दिशा देने का प्रयास किया है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि दुनिया एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था किसमें साहित्य के क्षेत्र में ठीक है ना तो ये जो आपके अवनी बाबू हैं ये उन्हीं के भतीजे हैं ठीक है ना एक सवाल मैंने यहां पर लिख रखा है अवनी बाबू का जन्म किस वर्ष हुआ आपने ये तो बता दिया कि उनका जन्म स्थान कहां पर है जोरा सांको में है लेकिन उनका जन्म किस वर्ष हुआ आप लोग फटाफट आंसर करिए 1871 में कब 1871 में 1871 सो ईस्वी में इनका जन्म होता है कहां पर जोरा सांको और जोरा सांको कहां है बंगाल में है ठीक है ना बंगाल में चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं अभी कुछ देर पहले ही मैंने इस पर आपसे चर्चा किया और इसमें विकल्प क्या है ए बी है बल ए एन टैगोर राजा रवि वर्मा नंदलाल बोस तो भारतीय चित्रकला के नवीन जागृति के पिता कौन कहे जाते हैं बहुत ही सिंपल है ए एन टैगोर यानी कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं देखेंगे भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है भारत माता नामक पेंटिंग के निर्माता कौन है भारत माता का चित्र बनाकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दे दी थी महात्मा गांधी का जो प्रयास आप देखते हैं कि वो 1916 में आकर के सक्रिय राजनीति में भारत में शामिल होते हैं उससे पहले जो भारत की एक यूनाइट अवधारणा है वो अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने ही प्रस्तुत किया था उनके प्रयास से ही एक भारत बना था क्योंकि उससे पहले आग, अगर आप का विद्रोह देखते हैं तो उस समय क्या था सब अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे यानी कि एक अस्मिता की बात नहीं हो रही थी किसी एक आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही थी अवनीन्द्रनाथ टैगोर के भारत माता के चित्र बनाने के बाद में क्या हुआ एक आइडेंटिटी की बात होने लगी कि सब किसके जो है छत्र छाया में है भारत माता के छत्र छाया में है और इसको आजाद कराना है तो ये बहुत जो है प्रसिद्ध चित्र था और उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो गई थी क्योंकि उन्नीस सौ में जो बंगाल में आंदोलन चल रहा था उसी से प्रेरित होकर के अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने इसको बनाया था तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ये अवनीन्द्रनाथ टैगोर अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्रण किया है यहीं पर आपको ध्यान देना है कि इनके अलावा भी एक चित्रकार हुए हैं एम एफ हुसैन हुसैन, हुसैन, इनका पूरा नाम क्या है मकबूल फिदा हुसैन मकबूल फिदा हुसैन ने भी भारत माता का चित्र बनाया लेकिन वह विवादित चित्र था क्योंकि इन्होंने उसमें भारत माता को नग्न दिखाने का प्रयास किया था और इसीलिए भारी विरोध होने के बाद में कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद में इनको देश छोड़ना पड़ा था और ये यहां से भाग करके कतर की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं कतर की नागरिकता और उससे पहले आपको जानकर हैरानी होगी कि मकबूल हुसैन को भारत सरकार ने पद्म श्री पद्म सम्मान से सम्मानित भी किया था लेकिन उन्होंने ऐसा चित्र बनाया कि उनको इस देश से निकालना पड़ा तो एम एफ हुसैन ने भी भारत माता का चित्र बनाया है और इसके अलावा अवरीन्द्र टैगोर ने सबसे पहले भारत माता का चित्र बनाया था चलिए आगे देखते हैं ये है अवनीद्रनाथ टैगोर की कुछ प्रमुख चित्र जिनको आपको बिल्कुल याद ही रखना है उंगली पर याद होना चाहिए चंडीदास विद्यापति शुक्ला भिस टैगोर का ऐसा चित्र है जो पूर्ण रूप से भारतीय शैली में बनाया गया है पूर्ण रूप से भारतीय शैली में ठीक है ना भारतीय शैली में इसको बनाया गया है तो ये शुक्ला भिसारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई बार सवाल पूछा भी जा चुका है इसके अलावा देखेंगे हम बुद्ध चरित्र कृष्ण चरित्र बुद्ध जन्म बुद्ध और सुजाता माया मृग अभिशारिका गणेश जननी शाहजहां के अंतिम दिन ठीक है ना शाहजहा के अंतिम दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूछा गया है कई बार भारत माता भिक्षा देवदासी कजरी सूर्य पूजा स्वतंत्रता का स्वप्न इंपॉर्टेंट है याद रखना स्वतंत्रता का स्वप्न ठीक है ना औरंगजेब का बुढ़ापा यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है चंडी व कृष्ण मंगल तो ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र है किसके अवनी बाबू के अवनीन्द्रनाथ टैगोर के ठीक है ना याद रखना अवनीद्राथ टैगोर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए हर बार टी के एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं ठीक है ना चलिए अगला सवाल देखते हैं अवनीन्द्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे अवनीन्द्र टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे राजा रवि वर्मा इटालियन कलाकार अलाग्री नायडू या, या थियोडोर जॉनसन। आपको बताना है कि आवनी कि बाबू, यानी अवनीन्द्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु कौन थे फटाफट आप लोग आंसर करिए और उसके बाद में मैं सही आंसर आपको बताता हूँ मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं बिल्कुल अधिकतर लोग सही आंसर कर रहे हैं वेरी गुड तो राजा रवि वर्मा तो होगा नहीं ठीक है ना अलाग्री नायडू जो है ये भी नहीं होंगे क्योंकि ये किसी दूसरे के गुरु थे थियोडोर जॉनसन भी नहीं होंगे सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा इटेलियन कलाकार गिलहार्डी अब देखिए घर परिवार में अगर आपके कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि कई सारे लोगों की जिंदगी सुधर जाती है रविंद्रनाथ टैगोर इतने बड़े ख्यात प्राप्त व्यक्ति थे कि दुनिया भर के लोग उनसे मिलने आते थे और उसी का फायदा मिला किसको? उसको टैगोर को या गगनेन्द्र टैगोर को आशित कुमार हालदार भी उन्हीं की फैमिली से आते हैं तो इन लोगों को इसका फायदा मिला कि दुनिया के बड़े बड़े कलाकार जब आते हैं रविंद्रनाथ के पास में तो सानिध्य किसको मिल जाता है अपनी अवनी बाबू को मिल जाता है आशित कुमार हालदार को मिल जाता है उन्हीं के टाइम ड्यूरेशन में चल रहे हैं यामिनि राय नंदलाल बोस उनको मिल जाता है तो इसका फायदा उनको मिला और शुरुआत में इटालियन कलाकार गिलहार्डी से अवनी बाबू ने कला का शिक्षा ग्रहण किया चलिए आगे देखते हैं हालदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है हालदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है आशित कुमार हालदार तो इनके बारे में एक सवाल पूछा जाता है कि आशित आशित कुमार हालदार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है ऑप्शन ये है कृष्ण राज नृत्य ऑप्शन बी है महाकाली ऑप्शन सी है सरस्वती और ऑप्शन डी है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक यानी कि संगीत की लव क्या है संगीत की लव तो आपको बताना है कि इसमें सही आंसर क्या होगा ये बहुत ही सिंपल सवाल है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सही लोग जो है आप लोग सही आंसर आंसर कर रहे आंसर कर रहे रहे हैं हैं ऑप्शन ऑप्शन डी डी अधिकतर लोग तो इसलिए इसका पर सही हो जाएगा द फ्लेम ऑफ म्यूजिक संगीत की लॉ अब देखते हैं थोड़ा सा आशित कुमार हालदार के बारे में इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इनका जन्म होता है 10 सितंबर 1890 सौ ईस्वी को कोलकाता में याद रखना दस सितंबर 1890 सौ ईस्वी को कोलकाता में इनका जन्म होता है और इनकी मृत्यु हो जाती है उन्नीस सौ चौसठ ईस्वी में लखनऊ में लखनऊ में जहां से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लखनऊ में बहुत समय बिताया आसिफ कुमार हालदार ने और बहुत सारे अपने जो है शिष्य तैयार किए जिन्होंने कला को आगे बढ़ाया है 1925 में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एवं क्राफ्ट में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुए और 1945 तक उस पद पर रहे कम से कम 10 बार इस सवाल को पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम टी -टी में टीजीटी पी में पीजीटी में पीजी ग्रेड में नेट में लगभग 10 बार पूछा जा चुका है कि आशित कुमार हालदार किस वर्ष बने कहा के प्रधानाचार्य बने कब तक नियुक्त रहे तो एक लाइन में याद रख लेना क्या 1925 सौ में लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एवं क्राफ्ट में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुए और 1945 तक उस पद पर रहे और याद रखना ये वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले भारतीय थे इस पद पर जो है बैठने वाले क्योंकि इससे पहले यहां पर अंग्रेज हुआ करते थे तो ये जो ठाकुर परिवार है ना अपने कला के दम पर इसने अपना इतना लोहा मनवाया था कि अंग्रेज भी इनके आगे झुक जाया करते थे ठीक है ना तो 1925 से लेकर के 1945 तक लखनऊ आर्ट लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट एव क्राफ्ट के प्रधानाचार्य के रूप में इन्होंने काम किया सम्राट जॉर्ज पंचम के कोलकाता आगमन पर हालदार ने सामियाने को फ्रेस्को तकनीक से बनाए भित्ति चित्रों से सुसज्जित किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कई बार एग्जाम में पूछा गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको मैं के लिए रखता हूं। बाकी पढ़ाने को तो बहुत सारी चीजें हैं वो तो पेड क्लास में चलती रहती है ठीक है ना तो यहां पर क्या याद रखना है कि जब सम्राट जॉर्ज पंचम भारत में आए थे तो उनके सामियाने को सजाया किसने था सबसे पहला सवाल ये तो आंसर क्या हो जाएगा आसित कुमार हालदार किस तकनीकी से सजाया था तो फ्रेस्को चित्रण तकनीकी से इन्होंने उसको सजाया था ठीक है ना अब देखते हैं इनके महत्वपूर्ण चित्र हालदार के प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं तो सबसे पहले अशोक का पुत्र कुणाल सीता नृत्यांगना यशोदा और मां चंद्रमा और कमल अकबर एक निर्माणकार झरने की आत्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट है झरने झरने की आत्मा ठीक है ना कई बार में पूछा जा चुका है झरने की आत्मा ऋतुओं का नृत्य चैतन्य और डाकू संगीत संथाल लोक नृत्य रास लीला कच्छ कच देवयानी इंपॉर्टेंट है चौखट द फ्लेम ऑफ म्यूजिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बार सवाल पूछा इसी से पूछा गया है ठीक है ना? रासलीला ऋतु संहार लक्ष्मी शिव पार्वती मेघदूत नववधू और सह अस्तित्व तो ये कुछ ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है चित्र हैं किसके आसिद कुमार हालदार साहब के आ, पेन का कलर चेंज कर लीजिए सर ओके ओके पेन का कलर चेंज हो गया चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध थे कौन से प्रसिद्ध कलाकार थे जो अपने उपनाम मास्टर मोसाय के नाम से प्रसिद्ध थे तो मास्टर मोसाय किसे कहा जाता है बहुत ही सिंपल सवाल है आप सबको इसका आंसर करना है ऑप्शन ये है आर्यन टैगोर ऑप्शन बी है जे एन टैगोर ऑप्शन सी है हालदार और ऑप्शन डी है नंदलाल बोस तो मास्टर मोसाई किसे कहा जाता है फटाफट आप लोग आंसर करिए मास्टर किसे कहा जाता है मास्टर मोसाय नंदलाल बोस को कहा जाता है किसको नंदलाल बोस को मास्टर मोसाय कहा जाता है ठीक है ना नंदलाल बोस को मास्टर मोसाए कहा जाता है और नंदलाल बोस कौन है ये शिष्य थे किसके अवनी बाबू के शिष्य थे और इन्होंने एक नया काम क्या किया था इन्होंने नव बंगाल शैली को जन्म दिया था किसको नव बंगाल शैली को इन्होंने जन्म दिया था नव बंगाल शैली को नव बंगाल शैली को इन्होंने जन्म दिया था नव बंगाल शैली क्या था नव बंगाल शैली में एक नया प्रयोग क्या किया था कि वास के साथ साथ टेम्परा का प्रयोग किया नंदलाल बोस ने और उसको नव बंगाल शैली कहा गया तो नंदलाल बोस के बाद जितने भी बंगाल शैली के कलाकार निकलते हैं उनमें आप ये देखेंगे कि वो टेम्परा का भी प्रयोग कर रहे हैं और वास शैली में भी चित्रण कर रहे हैं चलिए आगे देखते हैं तो देखेंगे नंदलाल बोस के बारे में थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं कि जो इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या क्या है नंदलाल बोस का जन्म उस वक्त के बंगाल प्रेसिडेंसी और वर्तमान में बिहार स्थित मुगेर जिले में अठारह सो ईस्वी में हुआ ये सवाल पूछा गया है टीजीटी में कि इनका जन्म कहां पर हुआ था तो इनका जन्म कहां हुआ था मुगेर जिले में हुआ था जो कि बिहार में स्थित है और जब इनका जन्म हुआ था तो बिहार जो है बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था और अठारह सो ईस्वी में इनका जन्म हुआ भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ नंदलाल बोस ने सज्जित किया था बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देना आप लोग भारतीय संविधान का जो मूल ग्रंथ है उसको सजाने का काम नंदलाल बोस ने किया था और कितने चित्र बनाए थे नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान में कितने चित्र बनाए थे आंसर करिए आप फटाफट नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान में कितने चित्र बनाए थे तो आप जानते हैं कि जो भारत का मूल संविधान है उसमें कितने भाग हैं बाईस भाग हैं और हर भाग के प्रारंभ में नंदलाल बोस ने चित्र बनाए थे इसीलिए नंदलाल बोस ने कुल चित्र कितने बनाए थे बाईस चित्र बनाए थे तो कुल बाईस चित्र नंदलाल बोस ने बनाए थे भारतीय संविधान में ठीक है ना भारतीय संविधान में कुल बाईस चित्र बनाया था नंदलाल बोस ने एक बार आप सभी लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट नहीं एड हो पा रहे देखिए ज्ञान जो है बांटने से बढ़ता है और ये जो क्लास है ये बिल्कुल फ्री इसका कोई फीस लगता नहीं है तो मैं बांट रहा हूं आप लोग भी अपने दोस्तों में बांट दीजिए इसको फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग ऐड नहीं है वो लोग भी ऐड हो जाएं और हाँ जो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है लाइक करना वो करते रहिए आगे देखेंगे इन्होंने कांग्रेस के कई अधिवेशनों के पोस्टर को सजाया था जैसे जो लखनऊ अधिवेशन था इसके अलावा हरिपुरा अधिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है ना देखेंगे नंदलाल बोस ने लखनऊ फैजपुर और हरिपुरा इन सम्मेलनों को सजाया था लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो हरिपुरा है और पूछता है कि हरिपुरा जो कांग्रेस सम्मेलन था उसके पोस्टर में विषय वस्तु नंदलाल बोस ने क्या रखा था तो ये कई बार पूछता है तो इसका सही आंसर क्या है जमीन जोतने वाले जो है किसान जमीन जोतने वाला किसान या भारतीय किसान कह सकते हैं या कह सकते हैं कि ग्रामीण जीवन को दिखाने का प्रयास किया था तो ग्रामीण जीवन को उन्होंने उसमें दिखाने का प्रयास किया था ठीक है ना ग्रामीण जीवन को दिखाने का प्रयास किया था तो नंद बोस के बारे में क्या याद रखना है आपको नंदलाल बोस मुगेर में उनका जन्म होता है अठारह सो ईस्वी में मास्टर मोसाय के नाम से जाने जाते हैं अवनी बाबू के शिष्य हैं कलकत्ता आर्ट कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई किया उसके बाद में शांति निकेतन में अध्यापक के रूप में काम करते हैं और इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भारतीय संविधान के मूल ग्रंथ को इन्होंने सज्जित किया था ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखेंगे क्षितेंद्रनाथ मजूमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हैं क्षितेंद्र मजूमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हैं क्षितेंद्रनाथ मजूमदार कौन सी कला विधा से जुड़े हैं ऑप्शन ये है, है मूर्ति कला ऑप्शन बी है प्रिंट मेकिंग ऑप्शन सी है वार चित्रकला और ऑप्शन डी है टेम्परा बहुत ही सिंपल सवाल है क्योंकि तो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार भी क्या है अवनी बाबू के शिष्य है क्या है अवनी बाबू के शिष्य है और अवनी बाबू क्या वास चित्रकला के पोस्टर बॉय थे यानी कि उन्होंने ही उसको स्टार्ट किया था तो जाहिर सी बात है कि ये भी किससे संबंधित होंगे वास चित्रकला से ही संबंधित होंगे वास चित्रकला से ही संबंधित होंगे तो क्षितेंद्र मजूमदार किस कला से संबंधित है वास चित्रकला से संबंधित है ठीक है ना चलिए इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं उन्नीस ईस्वी में मजूमदार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुलपति अमरनाथ झा के सहयोग से चित्रकला विभाग की स्थापना की और उन्नीस तक अपनी सेवा इलाहाबाद में देते रहे कई बार ये सवाल पूछा गया है कि क्षितेंद्र मजूमदार का संबंध किस कला विश्वविद्यालय से है तो इसका सही आंसर क्या है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है और यहाँ पर अलग कला विभाग की स्थापना किसने की थी क्षितेंद्र नाथ मजूमदार ने ही की थी जैसे आशित कुमार हालदार ने लखनऊ में चित्रकला को पोषित किया उसको पाला उसी प्रकार इलाहाबाद या वर्तमान के प्रयागराज में क्षितन्द्रनाथ मजूमदार ने शैली को आगे बढ़ाने का काम किया और उन्नीस तक अपनी सेवाएं देते रहे मजूमदार के विषय जो हैं रामायण महाभारत कृष्ण लीला चैतन्य महाप्रभु यानी कि जो सनातन धर्म में जो वैष्णव पंथ है उससे प्रभावित थे और जो इनके आ, चित्रण के विषय हैं वो क्या है पौराणिक है रामायण है महाभारत है कृष्ण लीला है आज पर इन्होंने चित्रण किया और सबसे ज्यादा जो इनका फोकस एरिया था वो चैतन्य महाप्रभु पर था किस पर चैतन्य महाप्रभु पर था ठीक है ना कट्टर वैष्णव होने के कारण यानी कि जो इनकी मान्यताएं थी बहुत कट्टर थी ये वैष्णव संप्रदाय को लेकर के कह सकते हैं बहुत ज्यादा इनक्लाइंड थे तो इसी वजह से मजूमदार को संत चित्रकार कहा जाता है क्या कहा जाता है संत चित्रकार कहा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना संत चित्रकार कहा जाता है किसको मजूमदार को इनके प्रमुख चित्र अगर आप देखेंगे तो यमुना गीत गोविंद चैतन्य का गृह त्याग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान देना चैतन्य का गृह त्याग लक्ष्मी राधा का अभिशार पालित मृग रूप गोस्वामी और मीरा बालक ध्रुव की तपस्या बालक ध्रुव की तपस्या तो बालक ध्रुव की तपस्या और चैतन्य का गृह त्याग ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप इसको ध्यान रखना गलती नहीं होना चाहिए ठीक है ना गलती नहीं होना चाहिए तो बालक ध्रुव की तपस्या और चैतन्य का गृह त्याग ये छित मजूमदार के दो बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र हैं ठीक है ना चलिए अगला सवाल देखते हैं शैलेंद्र नाथ डे ने सॉरी शैलेंद्र नाथ डे किस शैली के कलाकार हैं शैलेंद्र नाथ डे किस शैली के कलाकार हैं शैलेंद्र नाथ डे किस शैली के कलाकार हैं तो मैं आपको तो आप तो बता दूं कि शैलेंद्र नाथ डे भी किसके अवनी बाबू के शिष्य हैं किसके अवनी बाबू के शिष्य हैं अवनी बाबू के शिष्य हैं ये स्टल बोर्ड पर अभी तीन चार दिन ही मुझे हुआ तो लिखने में या इसको प्रॉपर तरीके से हैंड करने में अभी मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा चार से पाँच दिन में चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी तो शैलेंद्र नाथ डे क्या है आ, किस शैली के कलाकार हैं ये अब बताना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये अवनी बाबू के शिष्य हैं जो कि वास शैली के जन्मदाता हैं तो इसलिए इन्होंने वास शैली में चित्र कार्य किया शैलेंद्र नाथ डे भी जो है एक बहुत बड़े चित्रकार हैं और इन्होंने भी चित्रकला शैली को कलकत्ता से निकाल करके एक नई दिशा दी थी ये पश्चिम में गए थे कहा राजस्थान इनके बारे में देखते हैं शैलेंद्र नाथ डे का जन्म कहा हुआ अठारह में इलाहाबाद में हुआ कहां पर हुआ 1890 में इलाहाबाद में हुआ और शैलेंद्र की अगर शिक्षा आप देखेंगे तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता और भारत कला भवन वाराणसी तथा पटना स्कूल ऑफ आर्ट से हुआ तो इन्होंने कला शिक्षा सबसे पहले कहां से ग्रहण किया कलकत्ता आर्ट कॉलेज से और वहां के सर्वोसरवा कौन थे अवनी बाबू अवनेद्र नाथ टैगोर तो वहीं से इनको वास चित्रकला शैली की क्या मिल गई गुरुदीक्षा मिल गई और इन्होंने जीवन भर उसको निभाया उसके बाद में ये भारत कला भवन वाराणसी भी जाते हैं वहां पर भी ये शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसके बाद में पटना स्कूल ऑफ आर्ट से भी ये शिक्षा ग्रहण करते हैं ईश्वरी प्रसाद से इन्होंने जो है आ, कला शिक्षा ग्रहण किया था पटना में तो 1924 में शैलेंद्रनाथ डे महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट राजस्थान में उप प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए तो वास शैली को कलकत्ता से निकाल करके कहा लेकर गए यानी कि पूर्व से निकाल करके पश्चिम में लेकर गए क्योंकि अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो यहां इस तरफ बंगाल है और राजस्थान कहीं इस तरफ है यानी कि पूर्व से निकाल करके पश्चिम तक जो है कला को लेकर के जाते हैं वास कला को लेकर के जाते हैं तो राजस्थान में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट के उप प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त हुए और बंगाल की वास शैली का व्यापक प्रसार किया शैलेंद्र ने भारतीय चित्रकला तकनीकी जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक की रचना की याद रखना इंपॉर्टेंट है भारतीय चित्रकला पद्धति भारतीय चित्रकला पद्धति एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसकी रचना किसने की थी शैलेंद्र नाथ डे ने की थी शैलेंद्र नाथ डे के बारे में क्या याद रखना है ये वास शैली के कलाकार हैं अवनी बाबू के शिष्य हैं कलकत्ता स्कूल से पढ़ाई किया है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में उप्रथनाचार्य के पद पर ये नियुक्त हुए थे और इन्होंने जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक भारतीय चित्रकला पद्धति को इन्होंने लिखा है ठीक ना चलिए आगे बढ़ते हैं भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है क्षेत्रीय मुगल शैली को बंगाल शैली को यूरोपीय शैली को या कंपनी शैली को बहुत ही सिंपल सा सवाल है और आप लोग इसका फटाफट आंसर कर दीजिए बताइए आप लोग फटाफट आंसर करिए भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है क्षेत्रीय मुगल शैली को बंगाल शैली को यूरोपीय शैली को या कंपनी शैली को आंसर करिए आप लोग फटाफट ऑप्शन बी यहां पर सही है ऑप्शन बी सही है बंगाल शैली को तो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे दिया जाता है बंगाल शैली को दिया जाता है क्योंकि इसी शैली में क्या हुआ कि भारतीयता को फिर से तलाशने का जो है प्रयास प्रारंभ हुआ अवनी बाबू ने ईबी हेबल के मदद से भारतीय कला के बारे में जानकारी इकट्ठा करना स्टार्ट किया एबी हेबल जरूर यूरोपीय थे लेकिन उनकी बहुत गहरी रुचि थी भारतीय कला एवं संस्कृति में इसलिए उन्होंने प्रोत्साहित किया अवनी टैगोर को और उनके प्रोत्साहन से ही अवनी बाबू ने अध्ययन करना प्रारंभ किया और उसके बाद में मुगल कला शैली उससे संबंधित चित्र आप देख रहे हैं शाहजहां की मृत्यु या औरंगजेब का बुढ़ापा इसका चित्रण वो कर रहे हैं उमर खनयाम श्रृंखला तो ये सब वो किससे प्रेरित होकर के बना रहे हैं मुगल शैली से प्रेरित होकर के बना रहे हैं तो अवरिंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया कि भारतीय जो कला थी उससे सीखने का प्रयास किया और उन्हीं शैलियों से सीख करके वास शैली को आगे बढ़ाया तो इसीलिए जो भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय है वो बंगाल शैली को दिया जाता है ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा आगे देखेंगे भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है मद्रास स्कूल 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 से, बंगाल स्कूल से, कलकत्ता से बंगाल कलकत्ता या इनमें से कोई नहीं आपको बताना है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है स्कूल का मतलब उस स्कूल से नहीं है जहां पर पढ़ने के लिए आप जाते थे स्कूल का मतलब शैली से यहां पर है तो मद्रास शैली से या बंगाल स्कूल से या कलकत्ता स्कूल से या इनमें से कोई नहीं आपको बताना है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है तो सेम सवाल है जो भी इससे पहले आपने देखा थोड़ा अलग होकर के आया है क्योंकि सवाल कई रूपों में कई बार वाक्यों को बदल करके पूछे जाते हैं तो गलत ना हो इसलिए मैंने इसको रखा है बंगाल स्कूल से इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है ना बंगाल स्कूल से तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से आगे देखेंगे जापानी वास चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है जापानी वास चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है बी एस गायतोंडे अवनीद्र नाथ टैगोर रवींद्रनाथ टैगोर या सुनैना देवी जापानी वास चित्रों से कौन प्रभावित कलाकार है बहुत ही सिंपल सवाल है मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसका आंसर करेंगे बिल्कुल सही जवाब अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने जापानी वास चित्रों से प्रभावित होकर के ही वास शैली को जन्म दिया था इसकी चर्चा हम शुरुआत में ही कर चुके हैं एक सवाल के रूप में था इसलिए आपके समक्ष मैंने इसको प्रस्तुत कर दिया और अब आता है आखिरी में एक आपके लिए सूचना सूचना यह है कि पांच अगस्त से एक नया बैच यानी कि फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें संपूर्ण कला की थ्योरी आपको पढ़ाई जाएगी देखिए रिवीजन तब होता है जब पढ़ाई हो जाती है रिवीजन को ही पढ़ाई मान लेना बेवकूफी होगा और एक तरीके से ऐसा अटेम करना होगा कि बाद में पछताना पड़े इसलिए पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़िए और हाँ यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि आपका जो टी का जो सिलेबस है उस टी के सिलेबस में वेस्टर्न आर्ट मैं नहीं है वेस्टर्न आर्ट मैंसन नहीं है लेकिन हर बार आपसे सवाल पूछता है बहुत सारे जो है कोचिंग संस्थान वाले बहुत सारे अध्यापक आर्ट की कठिनाई के कारण उसको पढ़ाते नहीं है लेकिन मैं पूरा अपने बैच में पढ़ाता हूं तो संपूर्ण कला की थ्योरी आपको पढ़ने को मिलेगी अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है सीटों की संख्या लिमिटेड है कल से इसमें एडमिशन हो रहे हैं आप लोग जल्दी से जल्दी एडमिशन लेकर के अपना जो है स्थान सुनिश्चित करिए और इसकी फीस मात्र नौ रुपए रखी गई है और इसके अलावा चूंकि यह महीना जो है अगस्त का महीना क्रांति का महीना आजादी का महीना तो इसमें एक ऑफर आपको मिल रहा है और ये ऑफर क्या है कि कि टेस्ट 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 आपको क्या मिलेगा 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 फ्री फ्री मिले और एग्जाम तक चलेगा ये नहीं कि एक बार करवा दिया दो बार करवा दिया ऐसा नहीं है टेस्ट आपका स्टार्ट होगा और वो तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता अगर चैन बोर्ड छह महीने बाद भी एग्जाम लेता है तो टेस्ट बंद आपका नहीं होगा ठीक है ना तो टेस्ट आपको इसमें फ्री मिलेगा से मात्र नौ ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर फोन करना है 96, 82, 64, फोन करके या करके या संपूर्ण जानकारी ले ना करिए उससे पहले फोन ना करिए नहीं तो आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा तो आप सोचेंगे इस बीच में अगर आपको करना है तो आप फोन कर सकते हैं या मैसेज आप चौबीसों घंटे कर सकते हैं आपको रिप्लाई मिलेगा तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन करके अपना स्थान सुनिश्चित करिए और पांच अगस्त से स्टार्ट होने वाली क्लास का लाभ लीजिए इसके अलावा ये कंप्लीट नोट्स जो कि आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं हार्ड कॉपी नोट्स बिल्कुल तैयार है इसको अपने घर पर मंगवाने के लिए आपको बस फोन करना होगा इस नंबर पर और हाँ इस पर ऑफर चल रहा था एक अगस्त तक ये ऑफर अब समाप्त हो चुका है फिर भी ये कंप्लीट नोट्स जिनको अपने घर पर मंगवाना है जल्द से जल्द इसको मंगवा लीजिए क्योंकि इसकी भी संख्या सीमित है ठीक है ना तो मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ में और फिर से करेंगे रिवीजन आज अपनी बात को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं और जाते-जाते आप सब से कहना चाहता हूं कि एग्जाम का डेट कभी भी आपको सुनाई पड़ सकता है हो सकता है आज कल या किसी भी दिन आपको अचानक से नोटिफिकेशन मिल जाए कि फला डेट को एग्जाम होगा क्योंकि थोड़ी बहुत सुगबुगाहट स्टार्ट हो गई है चैन बोर्ड की तरफ से उन्होंने प्रत्येक जिले के डी से पूछा है कि कितने सेंटर उनके यहाँ पर बन सकते हैं कितने वित्तवीन विद्यालय हैं कितने पूर्णतया गवर्नमेंट द्वारा संचालित विद्यालय हैं तो उसकी जानकारी मांगी है सेंटर को बनाने के लिए इसीलिए आप लोग अपनी पढ़ाई को थोड़ा और तेज कर दीजिए लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि आपको पैनिक हो जाना है कि एग्जाम बिल्कुल आने वाला है एक महीने में डेढ़ महीने ऐसा नहीं है आपको लेकिन अवेयर रहना होगा और अपनी तैयारी को थोड़ा सा बढ़ाना होगा अगर चार घंटे पढ़ाई कर रहे हैं पांच घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको छ से सात घंटे बढ़ाइए यानी कि दो से ढाई घंटे अपनी पढ़ाई को आप बढ़ा लीजिए ठीक है ना तो चलिए कल मिलते हैं जय हिंद